नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेरापेटिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसकी आज हम लास्ट डिसऑर्डर जो है वो है हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी वीडियो के साथ में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसमें कि हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है, ये चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हमें अस्थमा और COPD के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि व्हेन हार्ट मसल डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है ये जब ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी को जितना ब्लड चाहिए अगर उतना ब्लड जो हमारा हार्ट है वो अगर हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं दे पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हार्ट फेल्योर, दूसरा दिया गया है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, बोथ वन एंड टू एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ वन एंड टू, क्योंकि जो हमारा हार्ट फेल्योर है इसको हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर यानी कि CHFV कहते हैं। तो देखिए, जो हमारी बॉडी है इसको चाहिए ब्लड, और इसको ब्लड कौन पंप करता है, इसको ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट। तो जब हमारा हार्ट में कुछ भी दिक्कत हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है ये ब्लड को पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता है, जितनी हमारी बॉडी की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार हमारा जो हार्ट है वो ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता। इसी कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेल्योर या फिर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं ऐसे डेफिनेशन की, व्हेन हार्ट मसल्स डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड दिस कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेल्योर आर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि व्हाट इज हार्ट फेल्योर, तो यहाँ भी हार्ट फेल्योर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ए कंडीशन इन विच हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कार्डियक अरेस्ट होता है और उनकी डेथ जो है वो तुरंत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो अचानक बीट करना बंद कर देता है, ठीक है, वो अचानक बीट करना बंद कर देता है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, ए कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप, ठीक है, हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड मीट द बॉडी नीड्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारी बॉडी की नीड्स है उसको जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड हमारा जो हार्ट है वो उसको पंप नहीं कर पाता, इसी कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेल्योर, ठीक है, तो हार्ट फेल्योर के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर ट्रबल इन ब्रीदिंग, तो यहाँ पे आपको सांस लेने में आपको समस्या देखने को मिल सकती है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो आपकी सांस होगी वो छोटी हो जाएगी, आप लंबे समय तक अपने सांस को रोक नहीं पाएंगे और आपको यहाँ पे ब्रीदिंग करने में भी समस्या होगी। अगले यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो फैटिगी, आपको थकान बहुत जल्दी होगी, स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें हार्ट फेल्योर के कंडीशन में देखने को मिलती हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर इज, लेफ्ट साइडेड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, राइट साइडेड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, बोथ वन एंड टू एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लेफ्ट साइडेड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो देखिए, जो हमारा हार्ट है इसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं, इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, आपका 2 एट्रिया हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर इज, तो ये हमारा होता है लेफ्ट साइडेड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, और जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको जितने फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ये इतनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और इसी की वजह से जो हमारा ब्लड है इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से पूरे बॉडी में इसकी सप्लाई होनी चाहिए थी, और यहाँ पे जितनी मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में यहाँ से जो ब्लड है उसका सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप का कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है वो हमारा लेफ्ट साइडेड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं,
तो यहाँ दिया गया है कि इटियोलॉजी ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर इंक्लूड। तो जो हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर है यानी कि हार्ट फेल्योर है ये किन वजहों से हो सकता है, तो यहाँ पे पहला दिया है कि इंट्रिंसिक पंप फेल्योर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक। तो जो हमारा यहाँ पे हार्ट है इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो इसकी मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि इनको जिस स्पीड से या फिर कहें फोर्स से इनको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उतने फोर्स से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इंक्रीज वर्क लोड ऑन हार्ट। देखिए जो हमारा हार्ट है अगर इस पे काम अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा जो हार्ट है वो थक जाएगा और इसको जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप 5 किलो वज़न उठा सकते हैं, ठीक है, तो आप 5 किलो वज़न बड़ी आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन अगर यही वज़न अगर आपसे कहा जाए कि इसको यहाँ पे 20 किलो किया जा रहा है, तो आप 20 किलो वज़न को आप उठा तो लेंगे लेकिन आप उसको जल्दी ही थक जाएंगे, उसके बाद आप 1 किलो वज़न भी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन अप्लाई होता है हमारे हार्ट के साथ में। अगर आपको हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हाइपरलिपिडिमिया है, अगर इस तरह के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये बहुत जल्दी थक जाएगा और उसके बाद इसको जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस फोर्स के साथ इसको काम करना चाहिए, उस फोर्स के साथ ये काम नहीं कर पाता है और इसी कंडीशन को हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे एट्रिया है, ठीक है, वेंट्रिकल है, इसमें ठीक तरह से ब्लड वापस यहाँ पे फिल नहीं हो पाता है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और जो भी हमारे हार्ट हैं इसमें बहुत सारे वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे वॉल्व होते हैं, तो अगर वॉल्व के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर इस तरह की कोई भी यहाँ पे समस्या होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इम्पेयर्ड फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एट्रिया है, वेंट्रिकल है, उनमें जिस तरह नॉर्मल तरीके से ब्लड को फिल होना चाहिए वो फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर में आपको देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं की वजह से कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने में इनेबल हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया राइट एट्रिया, ये हमारा हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारा जो हार्ट है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो इसका साइज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो तो देखिए जो हमारा हार्ट है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अगर इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रिलैक्सेशन की कंडीशन है और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इसका यहाँ पे साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये छोटा नहीं होगा तब ये जो यहाँ पे ब्लड है इसको बाहर पंप कैसे करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है इसको बाहर पंप करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि इसको सिकुड़ना होगा। ठीक है, तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ नहीं पाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। ठीक है, देखिए जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसी समय प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है तो इस समय जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और इसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी को कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर किन वजहों से हो सकता है, तो देखिए इसके पहले भी मैंने आपको एक यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो एक एटियोलॉजी है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होने की, वो है कि इंक्रीज वर्क लोड ऑन हार्ट, यानी कि जो हमारा हार्ट है अगर इसके ऊपर वर्क लोड बढ़ जाएगा तो
तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर आर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। बिल्कुल, अगर हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जो मेरी ब्लड वेजल्स हैं, अगर यहाँ पे लिपिड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हो जाता है, अगर हमें यहाँ पे हाइपरटेंशन है, इसके अलावा अगर थायराइड डिसऑर्डर है, तो इन सभी की वजह से कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर आर। ठीक है, तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर के केस में हम क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, पहला दिया गया कि लिमिट फूड्स हायर इन ट्रांस फैट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो भी जंक फूड है, ऑयली फूड है, उनको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और यहाँ पे ट्रांस फैट क्या होता है, देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे सिस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और ट्रांस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें पॉइंट नंबर टू की, तो यहाँ पर दिया गया लूज़ वेट, यानी कि हमें अपना जो वज़न है उसको ज़्यादा नहीं करना है, हमें एक लिमिट के अंदर अपना वजन रखना है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें एक्सरसाइज रेगुलरली, और ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं, उनमें आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यही चार पाँच जो यहाँ पर लाइन है उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट फूड्स हाई इन ट्रांस फैट, लूज वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आप इनको लिख सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं कि अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग, तो इस तरह बहुत सारे जो पॉइंट हैं आप उनको लिख सकते हैं, जिससे कि जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो हमेशा हेल्दी रहे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर इंक्लूड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि डायूरेटिक, एस इनिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जो भी डायूरेटिक्स हैं, एस इनिबिटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इन सभी का यूज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायूरेटिक्स दिया गया है, इनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने उसको पहले ही करवा दिया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट फेल्योर। ठीक है, हार्ट फेल्योर के क्या क्या जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो पहला दिया गया कि मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज। तो देखिए, अगर आपको पहले से कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, हाइपरलिपिडेमिया, तो आपको हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें वेट, अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो भी हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज, देखिए, एज अगर बढ़ती है तो साथ में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यहाँ पे दिया गया कि डायूरेटिक्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, इनमें कौन कौन से डायूरेटिक्स यूज किए जा सकते हैं, तो जो हमारा डायूरेटिक्स है इनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। ठीक है, वाटर पिल्स भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हमें कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है या फिर हाइपरटेंशन होता है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम आयन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पोटेशियम आयन की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसके साथ में कैल्शियम आयन की जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। तो अगर हम इसमें डायूरेटिक्स देते हैं तो जो यहाँ पे सोडियम आयन है ये हमारे बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है, और जो हमारा हाइपरटेंशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायूरेटिक्स को देते हैं हाइपरटेंशन के केस में, और कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर के भी केस में देते हैं। तो इसके एग्जांपल है फुरोसीमाइड, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, टोरसीमाइड, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जहाँ पे आपको MID देखने को मिल गया है, ठीक है, वो आप समझिए कि ये सारे जो हैं वो डायूरेटिक्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि एस इनिबिटर्स यूज इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। देखिए, जो हमारे एस इनिबिटर्स हैं इन्हें हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं ये इनको डायलेट कर देते हैं, यानी कि जो उसका डायमीटर होता है ये इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इसको डायलेट कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो ईजिली फ्लो कर जाता है। ठीक है, ईजिली फ्लो ब्लड फ्लो ईजिली। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं अगर वो डायलेट कर जाएंगी तो उसमें जो हमारा ब्लड है वो आसानी से फ्लो हो सकेगा।
तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कैप्टोप्रिल, इनाइल एप्रिल, रैमिप्रिल। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, एस इनहिबिटर के, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन कौन से बीटा ब्लॉकर यूज किए जाते हैं, तो प्रोप्रेनोलोल, एटीनोलोल, मीटोप्रोलोल, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। तो देखिए आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये बिल्कुल मैं सिंपल करवाता हूँ कि इससे क्या होगा, जो आपका थ्योरी है वो आपका यहाँ पे पूरा होगा और उसको आपको याद करने में आसानी होगी। तो जो भी यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है आप इनको ज़रूर से बार बार प्ले करके देखा करें, और जो भी क्लास की यहाँ पे ड्रग है ठीक है इन सब के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आपसे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दूसरे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पे मैं जो भी ड्रग का ऑप्शन देता हूँ उसको मैं एक ही कैटेगरी का देता हूँ जिससे कि आप उसको याद कर सकें। तो देखिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका ट्रिक बना सकते हैं PAM ठीक है, पी से हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल ठीक है, आपका टी और यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा एटीनोलोल और एम से हो जाएगा मीटोप्रोलोल ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पे कैटेगरी के ड्रग है जैसे कि आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया ठीक है, बीटा ब्लॉकर हो गया ठीक है, इसके अलावा डायूरेटिक हो गया ठीक है, तो इन सब की कैटेगरी के आपको कम से कम 3 से 4 ड्रग का नाम आपको आना चाहिए, तभी आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इनका नाम सही से लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं दिया गया, जो आज का सेशन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आप फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ पढ़ाई करते हैं, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हैं, इसके अलावा डी फॉर्म फाइनल ईयर में हैं, उनके साथ भी वीडियो का लिंक ज़रूर से शेयर कर दें जिससे कि वो भी फार्मेसी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और अभी आपको पता है कि आपको एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना है ठीक है, अभी आपको एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होगा, तो इसलिए आप लोग अपने एग्जाम के साथ में एग्जिट एग्जामिनेशन की भी साथ में तैयारी करते रहें, क्योंकि वहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको सीरियस होकर जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट सिलेबस की आपको अपनी स्टडी करनी है, आपको सिर्फ अपना एग्जाम पास नहीं करना है और आपको नकल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप यहाँ पे नकल के भरोसे रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एग्जाम में भी फेल हो सकते हैं और एग्जिट एग्जाम में भी आप फेल हो जाएंगे, इसलिए आपको नकल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। और देखिए जो हमारा एजुकेशन रेगुलेशन 1991 था इसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस था उसके कंप्लीट सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।